स्टूडेंट्स माइशल का सुस्मित प्रधान। देखो आज हम स्टैंडर्ड वन के क्या पढ़ेंगे, जो हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे संज्ञा के बारे में, नाम वाले शब्द के बारे में पढ़े थे। देन आज पढ़ेंगे लिंक के बारे में, है कि नहीं। लिंक क्या होता है, मतलब लिंक के लिंक से हमें क्या पता चलेगा, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो हमें जो लिंग मतलब क्या है कि जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का जो पता चलता है, हम उसको क्या कह सकते हैं, लिंग कह सकते हैं। मतलब लड़का लड़की जैसे, है कि नहीं, हम अलग अलग सा पहचान पाते हैं, नहीं कि ये लड़का है यह लड़की है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि लिंग कह सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो भाषा केवल मनुष्य और पशु के नहीं, ऑनली देखो और भी बहुत सारे जानवर है, जीव है, बहुत सारे, है कि नहीं, उनके भी लिंग जानना हमें जरूरी है कि नहीं। ओनली पशु और मनुष्य के लिंग के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ और भी बहुत सारे थिंग्स है कि नहीं। तो इसीलिए सबके लिंग के बारे में जानना हमें जरूरी होता है। इसीलिए जैसे कि वस्तुओं के, है कि नहीं, वस्तुओं भी, वस्तुएं जो थिंग्स जितने सारे, वो भी क्या जाएगा कि वो भी उनके लिंग भी बदल जाता है कि नहीं। तो उसमें से जैसे कि वस्तुओं, नदियों, वृक्षों, शहरों, इमारतों, ये सारे के सारे, है कि नहीं, ये सारे के सारे में क्या है कि लिंग है। उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जानना, लेकिन क्या है कि जानवर और इंसान वो तो इजी में हम देख के पता चल सकता है, लेकिन हम चीजों को देख के बता पाएंगे कि ये वाला कौन सी लिंग में जा रहा है, ऐसे करके बता सकते हैं, नहीं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है कि नहीं, कौन सा वाला कौन से लिंग में जा रहा है। तो लिंग क्या होता है मैं पहले बताऊंगी। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए है अथवा स्त्री जाति के लिए है, है कि नहीं। ये जो क्या होगा कि एक शब्द हम बोलेंगे, उसमें से बता सकते हैं कि ये वाला पुरुष जाति को समझा रहा है कि स्त्री जाति को समझा रहा है कि नहीं, मतलब लड़का वाला कि लड़की वाला, है कि नहीं। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, उसको बोल सकते हैं लिंग, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे चैप्टर 5 में है लिंग है। तो लिंग किसको कहते हैं पहले, मतलब उसको जेंडर कहते हैं, है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए और क्या है कि स्त्री जाति के लिए, ने पुरुष जाति के लिए है अथवा स्त्री जाति के लिए, उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम लिंग कह सकते हैं, है कि नहीं। जिसमें से हमें पता चलेगा वो पुरुष जाति को समझा रहा है कि स्त्री जाति को समझा रहा है, हम उसको क्या कह सकते हैं, लिंग कह सकते हैं। लिंग के वजह से हम ये पुरुष जाति, ये स्त्री जाति, ऐसे हमें पता चल सकता है कि नहीं। तो इजी हो जाएगा हमें जानना, है कि नहीं। देन लिंग से ही ये सारे के सारे थिंग्स पता चलेगा कहते हैं। देखो हो गया लिंग के बारे में। आप तो जेंडर के बारे में जानते होंगे भी, जैसे कि हमारे टू टाइप्स था, हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में वो बाद में, लेकिन पहले में जो क्या था कि पुल्लिंग था और स्त्रीलिंग था, नहीं मतलब जैसे कि हमारे क्या है कि मास्कुलिन फेमिनाइन, नहीं जैसे कि बॉय का हो रहा था गर्ल, नहीं जैसे कि किंग का क्वीन हो रहा था, ऐसे भी इसमें से भी ऐसे भी चेंज होता है कि नहीं। तो हम दिखेंगे कि कौन किसको समझा रहा है। जैसे कि लड़का शब्द से पता चलता है कि वो पुरुष जाति के लिए है कि नहीं। लड़का मतलब वो जरूर वो होगा कौन सी जाति में जाएगा कि वो पुरुष जाति में जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ये शब्द को हम क्या कह सकते हैं, पुल्लिंग कह सकते हैं। लिंग दो प्रकार के है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार की होगा कि लिंग दो प्रकार की है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। जो वाला पुल्लिंग का मतलब है क्या है कि जो वाला हमें उसमें से पुरुष जाति का बोध कराएगा, हम उसको कह सकते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का मतलब है जिसमें से हमें स्त्रीलिंग स्त्री जाति का पता चलेगा, हम उसको कह सकते हैं स्त्रीलिंग। हाँ, तो लिंग हमारे क्या है कि लिंग दो प्रकार की है,
हिंदी में लिंग दो प्रकार की है, हाँ तो दिखेंगे क्या क्या है। एक है पुल्लिंग, देन और एक है स्त्रीलिंग। पता चल गया दोनों के बारे में। पुल्लिंग तो किसको कहते हैं, मैं बता दी। पुल्लिंग का मतलब है जिसमें से पुरुष जाति का बोध कराएगा, जो पुरुष जाति का बोध कराएगा हम उसको कह सकते हैं पुल्लिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि लड़का, ये लड़का होगा किसमें जाएगा कि ये वाला पुल्लिंग में जाएगा, हाँ। देन स्त्रीलिंग में मैं बताई थी, स्त्रीलिंग किसको कहेंगे कि जिसमें से स्त्री जाति का पता चलता है हम उसको कह सकते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़का क्या क्या होगा कि लड़की होगा, है कि नहीं, और लिंग बदल जाती है कि नहीं। ये वाला पुल्लिंग में लड़का था लेकिन स्त्रीलिंग में वो चेंज हो गया, वो हो गए लड़की, चेंज हो गया कि नहीं। ऐसे भी बहुत सारे हमारे जो लिंग में हम बदल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि पिता, है कि नहीं, पिता किस तरफ से जाएगा, कि पिता का मतलब वो पुरुष जाति को समझा रहा है, मतलब पिता जाएगा इस तरफ, नहीं पिता जाएंगे इस तरफ। देन पिता का क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा माता, नहीं माता जाएंगे इस तरफ जाएंगे, है कि नहीं। वो क्योंकि स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना, इसीलिए वो स्त्रीलिंग में जाएंगे, है कि नहीं, तो पता चल गया। देन और उसको कन्वर्ट करेंगे, ये तो वर्ड को हम क्या कर दिए कि चेंज कर दिए। देन उसके बाद हम एक सेंटेंस को चेंज करते हैं, सेंटेंस भी हम सेंटेंस में भी ये सारे के सारे को चेंज कर सकते हैं, लिंग को बदला सकते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम दिखते हैं जैसे कि ये वाला में जैसे हम चेंज किए वर्ड में, उसको जैसे चेंज किए, कैसे भी एक सेंटेंस में कैसे चेंज होता है वो दिखेंगे अभी, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल दिखो ये पुल्लिंग में पहले, हाँ पुल्लिंग में पहले लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखेंगे। देन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लड़का पढ़ रहा है, हो गया चेंज, हो गया लड़का पढ़ रहा है, हाँ। देन हम उसको स्त्रीलिंग में ये वाला वाक्यों में कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। वाक्यों में कैसे चेंज होता है लिंग हम दिखेंगे। वाक्यों में देखो ये वाला लड़का के बदले क्या हो जाएगा कि स्त्रीलिंग में लड़का का क्या हो जाता है, लड़की हो जाती है ना, तो हम लिखेंगे ऐसे लड़की, देन पढ़ को पढ़ रहेगा। देन क्या है कि हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे लड़का पढ़ रहा है हुआ था, है कि नहीं, लेकिन जब लड़की आ जाएगा वो भी क्या है कि उनका जो वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, ये पढ़ रही है हो जाएगा, है कि नहीं, रही है, रहा है के बदले रही है हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। तो ऐसे हमारे क्या है कि हमारे सेंटेंस में भी हम उसको पुट कर सकते हैं, है कि नहीं, देन लिंग को बदला सकते हैं। तो ऐसे और एक है ना, जैसे कि पुल्लिंग में लिखेंगे, पुल्लिंग में एक होगा राजा बैठा है, देन उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये राजा के बदले क्या हो जाएगा कि राजा के बदले ये हो जाएगा रानी हो जाएगी, है कि नहीं, रानी। देन बैठा इधर होगा क्योंकि मैं बोली थी बहुत बहुत चेंज हो जाती है, इधर बैठा है होगा कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे रहा है के बदले रही है हुआ था, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा कि वो भी चेंज हो जाएगा, तो बैठा है के बदले क्या हो जाएगा बैठी है कि नहीं, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बैठी है, कंप्लीटेड। देन तो नेक्स्ट हम दिखेंगे कुछ दिया गया है हमारे पुल्लिंग को कैसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, हाँ। जैसे दिया गया है, मैं इस साइड में लेफ्ट में लिखूंगी पुल्लिंग को, राइट में आप उसको कन्वर्ट करना है, हाँ। दिखते हैं कैसे चेंज होता है, किसका क्या होता है, हाँ। जैसे कि इस साइड में पुल्लिंग, देन इस साइड में स्त्रीलिंग, तो देखो कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है नाना, नाना किस तरफ जाएंगे कि पुल्लिंग में जाएंगे कि नहीं, ये जाएंगे पुल्लिंग में जाएगा क्या, नाना जाएगा, है कि नहीं। देन उसके स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा नाना का, क्या बुलाते हो, स्त्रीलिंग होगा वो वाला नाना का, नानी होता है कि नहीं, चेंज हो गया कि नहीं। ऐसे दिया गया मामा का, मामा का क्या होगा, मामा का होगा मामी, है कि नहीं, स्त्रीलिंग में वो बदल जाती है नहीं। तो ऐसे भी दिया गया है दादा का, दादा का क्या होगा, दादी होगा कि नहीं होगा। देन ऐसे चाचा का, चाची। देन शेर का, देखियो एक एग्जांपल ये आगे जानवर, हाँ शेर का क्या होगा कि
ये मैं बोली थी ना शेर जो जानवर में भी वो भी चेंज होता है, तो शेर का हो जाएगा, उनके स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी, है कि नहीं, ये भी बदल गया शेर का शेरनी। ऐसे मोर का क्या होगा, मोर का मोरनी, है कि नहीं, ये भी बदल गया तो मोर का मोरनी। ऐसे ऊंट का क्या होगा, ऊंट का ऊंटनी, चूहा का चूहिया, हाँ, देन घोड़ा का घोड़े, बकरा का क्या होगा कि देखिए बताओ, तो बकरा ये होगा, बकरा किस तरफ जाएगा, बकरा जाएगा पुल्लिंग में, नहीं पुल्लिंग में जाएगा बकरा, उनके स्त्रीलिंग क्या होगा कि बकरी होगा, हाँ। देन ऐसे माली का माली, देन अध्यापक अध्यापिका, ये चेंज हो जा रही है सबके, है कि नहीं, पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देन राजा का हम तो ऑलरेडी दिख चुके हैं, राजा का रानी हो गए। देन मालिक का मालकिन, धोबी का धोबिन, पुत्र का पुत्री, पिता का माता, सेवक का क्या होगा, सेविका। देन हाथी का होगा हथिनी, है कि नहीं, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हाथी जो था ये हो जाएगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, हाथी को, हाथी को ये हो जाएगा हथिनी हो जाएगा, ठीक है, और हा नहीं रहेगा, हथिनी हो जाएगा, कंप्लीटेड हो गया। देन ये सारे के सारे आप केयरफुली और थोड़ा सा देखना कि कैसे हम लिंग को और भी बदला सकते हैं, है कि नहीं, तो ठीक है।